नमस्ते है जी, धैर्यवान हीलिंग साइंस से मैं हूं धैर्यवान, आपका अपना हीलिंग मास्टर। दोस्तों, आज हम वीनस शुक्र ग्रह की चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से लोग हैं जो शुक्र ग्रह से रूल होते हैं, शुक्र ग्रह के जो जातक हैं, उनके जीवन में क्या क्या उन्हें पहले से एडवांटेज प्राप्त होती है, कैसी कैसी लग्जरी, कैसी कैसी प्रॉस्पेरिटी शुक्र ग्रह के जातकों को पहले से ही मिली होती है। लेकिन क्या जो जातक शुक्र से रूल नहीं होते हैं उन्हें शुक्र की कृपा प्राप्त नहीं होगी, उनके जीवन में वीनस प्राप्त नहीं होगा? ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आज हम कुछ चर्चा करेंगे जिसमें मैं आप लोगों को एक डिटेल नॉलेज दूंगा वीनस के बारे में और आसान रेमेडीज बता दूंगा कि कोई भी जातक अपने जीवन में वीनस शुक्र को एक्टिवेट करें और शुक्र के अधिक हो जाने की वजह से क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं, जिसके लिए किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, उसे भी आज हम समझेंगे। प्लैनेट नंबर 6 शुक्र। जो भी जातक इनका भाग्यांक और मूलांक 6 हो, मूलांक 6 हो या कंप्लीट भाग्यांक 6 हो, वो शुक्र से रूल होते हैं। अब बहुत लोग भाग्यांक और मूलांक को लेकर कन्फ्यूज होते हैं, मतलब कि महीने की जिस तारीख को आप पैदा हुए हैं, है ना, डेट ऑफ बर्थ में जो सबसे पहले में होता है 15, तो आपका 15 जो है मूलांक है 5 और 1 6, ठीक है। और पूरे डेट ऑफ बर्थ को अगर हम काउंट करते हैं तो ये पूरा डेट ऑफ बर्थ अगर हम काउंट करेंगे तो ये बनता है 6। तो ये उसको हम बोलेंगे भाग्यांक और ये हो गया मूलांक। तो भाग्यांक और मूलांक 6, पूरा काउंट करने से भाग्यांक और सिर्फ डेट को काउंट करने से मूलांक, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। जो भी नंबर 6 के साथ जन्मे हैं, जिनका भाग्यांक और मूलांक दोनों ही 6 है, तो 6 नंबर के ये जातक शुक्र की इन पर विशेष कृपा होती है। लग्जरी, गाड़ी, बंगला, पैसा, सुंदर पार्टनर, अच्छे रिश्ते नहीं बोल रहा हूं, वो जो बटर की कृपा से मिलेगा, सुंदर पार्टनर, गाड़ी, बंगला, पैसा, अच्छा नाम, शोहरत, खूबसूरती, अच्छे फील्ड में रहेंगे, ये एक्टिंग के फील्ड में हो सकते हैं, मॉडलिंग के फील्ड में हो सकते हैं, वो दिखने में भी सुंदर दिखेंगे, खूबसूरती इनके रंगों में होती है, ये चाहे इनका रंग रूप कैसा भी हो, ये जैसा भी पहनेंगे ओढ़ेंगे ये चमक करके दिखेंगे, इनका बोलना, चलना, पहनना बहुत आकर्षक होता है। इनसे अपोजिट जेंडर, जो विपरीत लिंग होते हैं, मेल है तो फीमेल, फीमेल है तो मेल, उनसे अपने आप अट्रैक्ट होते हैं, ये जहाँ खड़े होकर बात करते हैं वहाँ अपने आप लोग बंधना शुरू हो जाते हैं, इनकी बात चाहे कैसी भी हो, ये जब अपनी बातें कहना शुरू करते हैं तो लोग इन्हें सुनना चाहते हैं। शुक्र ग्रह से रिल होने की वजह से इनके आसपास हमेशा ही फैन फॉलोइंग होती है, लेकिन यही कुछ ड्रॉबैक्स भी इन्हें मिलते हैं, उन्हीं फैन फॉलोइंग की वजह से इन्हें कभी कभी जीवन में डिफेम होना पड़ता है, कहीं ना कहीं उन्हें परेशान होना पड़ता है, कहीं ना कहीं अगर वो बैलेंस ना कर पाए तो अपने जीवन में प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ते हैं, क्योंकि हर किसी को तो हम नहीं जानते ना कि वो कैसे हैं। लोग हमसे प्यार कर रहे हैं, लोग हमसे जुड़ रहे हैं, लेकिन किसी वजह से अगर वो हमसे डिसअपॉइंट होंगे तो वो अपना गुस्सा, अपना बदला किसी न किसी तरीके से निकाल बैठते हैं, जिसकी वजह से 6 नंबर के प्लैनेट वालों को परेशान होना पड़ता है। शुक्र से रूल होने की वजह से हमेशा इन्हें अपोजिट जेंडर का टेंशन मिलते ही रहता है, तो उस वजह से भी कभी कभी जेलेसी या प्रॉब्लम हो जाती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सुंदर रूप रंग इनके आसपास हमेशा होता है, सुंदरता इनसे जुड़ी ही हुई होती है, इनका हेल्थ, फिटनेस, गुड लुकिंग, ये होते हैं अपने फिटनेस को लेकर, अपने लुक्स को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर हमेशा कॉन्शियस रहते हैं, इन्हें नेचुरली ब्यूटी मिला होता है, इनकी पर्सनालिटी शानदार होती है। चाहे अनचाहे ऐसे फील्ड में ज़रूर जाते हैं जहाँ बहुत पैसा हो, जहाँ बहुत शोहरत हो, नाम हो। तो अब हम समझ चुके हैं शुक्र ग्रह से रूल होने वाले कितने भाग्यशाली होते हैं भौतिक जगत में, लेकिन इसके ड्रॉबैक भी आप समझ चुके हैं। तो जो जातक शुक्र ग्रह से रूल होते हैं, जिनके जीवन में अभी तक शुक्र की कृपा नहीं आई है, उन्हें क्या करना चाहिए? उन्हें अपने शुक्र पर्वत में, दोनों हाथ के शुक्र पर्वत में या लेफ्ट हैंड, स्पेशली लेफ्ट हैंड के शुक्र पर्वत में इत्र लगाना चाहिए, चंदन, गुलाब, चमेली, रातरानी, कोई भी नेचुरल इत्र, असली नेचुरल इत्र अपने शुक्र पर्वत में लगाना चाहिए, और साथ में वहां 24 मतलब 6 ही होता है, 24 लिखना चाहिए। तो 2 और 4 को मिला के जब हम 6 बनाते हैं तो ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है शुक्र के लिए।
तो जिन जातकों का को अपने जीवन में शुक्र को एक्टिवेट करना है, जो ऑलरेडी शुक्र से रूल हो रहे हैं और उन्हें बहुत जल्दी शुक्र की कृपा चाहिए, वो ये जरूर करें। शुक्रवार के दिन पानी में गुलाब जल या इत्र मिलाकर के नहाएं, जिससे उनके जीवन, उनके शरीर में उनके औराओं को साफ करके खुशबूदार कर दिया जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा करनी चाहिए। अपने नाभि में इत्र जरूर लगाएं, अगर यहाँ लगा रहे हैं शुक्र पर्वत में लगा रहे हैं, नाभि में भी लगाएं, है ना, नाभि में भी लगाएं। हमेशा महकते रहना, ये आपको जान लीजिए कि हमेशा एक भीनी खुशबू आपके अंदर से आनी चाहिए। आप महकेंगे तो साफ सुथरे दिखेंगे, साफ सुथरे लगेंगे तो लोग आपसे आकर्षित होंगे। लोग आप जितने ज़्यादा खूबसूरत लोग आपसे आकर्षित होंगे, समझ जाइए कि शुक्र आपसे आकर्षित हो रहा है। तो नाभि में, अपने नेवल में इत्र ज़रूर लगाएं, और खुशबूदार होने की वजह से वो शुक्र को अट्रैक्ट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट करेंगे। ये रेमेडी दूसरे जातक भी कर सकते हैं जो शुक्र से रूल नहीं होते, जो गुरु से, बुध से, किसी भी अन्य प्लैनेट से रूल होते हैं, उनके लिए भी ये रेमेडी है। क्या गलती नहीं करनी चाहिए शुक्र से रूल होने वाले, जिन्हें भी शुक्र की कृपा चाहिए अपने जीवन में, उन्हें अपने अपोजिट जेंडर के पार्टनर को प्यार से रखें, खुश रखें, उनके साथ दुर्व्यवहार ना करें। खासकर अगर आप मेल हैं तो अपनी फीमेल पार्टनर के साथ दुर्व्यवहार ना करें, उनका दिल ना दुखाएं, उन्हें परेशान ना करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आप 6 नंबर के प्लैनेट हैं, आपके आसपास बहुत सारी फीमेल्स होंगी, बहुत सारे फीमेल्स का टेंशन होगा, इस वजह से कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लग सकता है, दुखी हो सकते हैं। तो उन्हें आप प्यार से, प्रेम से समझाएं, जैसे भगवान श्री कृष्ण राधा को प्रेम से समझाते थे कि बाकी गोपियाँ तो गोपियाँ ही हैं, हृदय में तो आप ही बसती हैं। तो इस तरह से वो उनका मन मोह लेते थे, उनका दिल जीत लेते थे। तो अपने पार्टनर का मन जीत लीजिए, दिल जीत लीजिए, छोटी छोटी प्यारी प्यारी बातें करके, छोटे मोटे गिफ्ट्स देखिए। धन संपत्ति आपके पास हमेशा है, जितना खर्च करेंगे उतना बढ़ेगा। जितना आप अपने पैसों को अच्छी चीज़ों में खर्च करेंगे, अपनी खुशियों में खर्च करेंगे, अपनी प्रॉस्पेरिटी में खर्च करेंगे, वो उतना बढ़ेगा। तो आप उनके उनके लिए प्यारे प्यारे गिफ्ट्स ले सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कभी ना कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा देने से बहुत अच्छा नहीं होता है। तो एकदम हाथ नहीं खोल देना है, कभी कभी प्यारे गिफ्ट्स दो, अच्छी बातें करो। शुक्र ग्रह से रूल कर रहे हैं आप, तो आपकी अच्छी बातें, आपकी प्यारी बातें ही आपके पार्टनर्स के दिल को छुएंगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ऐसा होता है कि शुक्र ग्रह से रूल करने वाले लोगों के पास मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं, ये आपकी चॉइस है, इसमें मैं कुछ नहीं बोलूँगा। तो जितने भी पार्टनर्स के साथ हैं, जितने भी दोस्त हैं आपके, सबसे प्रेम व्यवहार बना के रखें, सबसे दिल जोड़ के रखें, किसी का दिल ना दुखाएं, या तो रिश्ता ना ही रखें या तो उनका दिल ना दुखाएं। ये चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अब शुक्र ग्रह के जातक हैं तो गुरु की विशेष कृपा आपको ज़रूरी है। क्योंकि जब भौतिक सांसारिक सुख और समृद्धि आती है तो ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है कि कैसे उसका इस्तेमाल करें, कैसे उसे भोगें। शुक्र ग्रह के जातकों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जैसे चीज़ों का होना अक्सर हो जाता है। तो देखिए, मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, ये आपकी चॉइस है, लेकिन गुरु की कृपा अगर रही, अगर आप गुरु को मना के रखेंगे, बृहस्पति को मना के रखेंगे, जुपिटर को मना के रखेंगे, तो आप में विवेक होगा, सद्बुद्धि होगी, सही रास्ता आपको मिलेगा, सही रास्ते के साथ आप काम करेंगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। तो गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी इस पर हम एक और वीडियो बनाएंगे कि बृहस्पति की कृपाओं को कैसे हम पाएं। वैसे मैं आपको बोल दूं, भगवान बृहस्पति का प्लैनेट जुपिटर की कृपा को प्राप्त करने के लिए हमें सबसे पहला काम अपने जीवन में सज्जनता को लाना होता है, यानी कि गुरुओं का आशीर्वाद बनाए रखें, अपने गुरुओं का आदर हमेशा करें, गुरु बनाए, किसी न किसी को गुरु माने, गुरु बना कर चले, उनका आदर करें, उनकी उनकी बातों को सुने, समझें, जिससे आपके जीवन में बृहस्पति का, जुपिटर की कृपा बनी रहेगी और उस वजह से शुक्र आपके सिर नहीं चढ़ेगा। जैसा कि मैंने ब्लू एमेथिस्ट पहन रखा है जो कि आगे चक्र के लिए भी होता है, तो ज्ञान को बनाए रखने के लिए, अपने विवेक को बनाए रखने के लिए आप एमेथिस्ट की माला या ब्रेसलेट पहना करें। और शुक्र ग्रह के जातक हैं इसलिए शुक्रवार के दिन का उपवास करें, आधे दिन का ही सही उपवास करें, नहा धो करके भगवान शुक्र को धन्यवाद करें कि वो आपके ऋषि स्वामी हैं, वो आपके रूलिंग प्लैनेट हैं, तो ये आपको बहुत कृपा मिलेगी उससे। 6 नंबर के प्लैनेट हैं तो आपकी नहीं जमती है 9 नंबर वालों से और 3 वालों से भी। बोलते ना 36 का आंकड़ा 3 और 6,
यस, उसके साथ तो 59 हो रखा है मेरा। तो ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो किस्से कहानियों में बोले गए हैं, तो सही है। 6 नंबर के 9 नंबर वालों से नहीं जमती, 6 नंबर वालों की 3 नंबर वालों से नहीं जमती, लेकिन यदि 6 और 9 वाले किसी रीजन से दोस्त बन गए तो शानदार दोस्ती रहेगी। वो दोनों नहीं जमती क्योंकि वो दोनों एक दूसरे के बराबर है, ईगो का प्रॉब्लम होता है। लेकिन ईगो हट गया और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर गए, एक दूसरे को पसंद कर गए, एक दूसरे की क्वालिटीज को अपनाना या स्वीकार करना, एक दूसरे की क्वालिटीज को अप्रिशिएट करना सीख गए, तो 6 और 9 की शानदार दोस्ती बनेगी, 3 और 6 की भी शानदार दोस्ती लोग बनेगी। वो 36 का आंकड़ा तब होता है जब एक दूसरे की ईगो में, बेवकूफ़ी में फंसे होते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति की कृपा है, अगर आप ज्ञान को धारण किए हुए हैं, तो ये 3, 6 और 9 की दोस्ती शानदार होती है। अगर ऐसा कोई भी जातक है आपके जीवन में कि 3 नंबर, अगर आप 6 नंबर वाले हैं तो 3 और 9 अगर आपके जीवन में है, 3 और 9 को बना करके चले, उनके साथ दोस्ती हमेशा रखें। आपके जीवन पर्यंत काम आने वाले दोस्त हैं आप उनके, और वो उनके आपके काम आएंगे ही आएंगे। ये कुछ शानदार बातें हैं जो बहुत कम सुनाई देती है, बहुत कम समझ में आती है। बन ठन कर रहे, शानदार तरीके से रहे, हमेशा अप टू डेट बने रहें जैसा कि आपको बनाया गया है, हमेशा महकते रहें, हमेशा तैयार रहें, और बिल्कुल प्रिटेंड करें कि आप एक रिच पर्सन हैं, प्रिटेंड करें कि आप खूबसूरत हैं, प्रिटेंड करें कि आप जवान हैं, प्रिटेंड करें कि आप अच्छा खाते हैं, प्रिटेंड करें कि आप अच्छा सोते हैं, प्रिटेंड करें कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा है, आपका हेल्थ फिटनेस लाइफस्टाइल सब शानदार है, प्रिटेंड करें आप फील करें कि आप अच्छी गाड़ी में घूमते हैं, फील करें कि आप अच्छे घर में रहते हैं, आपकी जीवन में सारी समृद्धि भरी हुई है, ऐसा प्रिटेंड करें, तो उससे आपका शुक्र और मजबूत होता जाएगा। शुक्र हमेशा आपको देख रहा होता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं, आप कैसा हैं, क्योंकि शुक्र की इसके जातक हैं आप, तो वो चाहेंगे कि वो आप उनका नाम रोशन करें। तो गरीबों वाली हरकत बिल्कुल मत करना, गरीबों वाला काम बिल्कुल मत करना, गरीबी वाली सोच बिल्कुल मत रखना, लूट लेना, छीन लेना, चुरा लेना, थोड़ा बचा लेना, उसका उसका नुकसान करके अपने पास रख लेना, अपना 1 रुपया बचाने के लिए सामने वाले का 4, 5, 10 रुपया खराब कर देना, इस तरह के नियत रखेंगे शुक्र बहुत नीचे चला जाएगा, बहुत नीचे चला जाएगा। आपको शुक्र की कृपा कभी प्राप्त नहीं होगी, उल्टा शुक्र से आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। राहु और केतु उतना नुकसान नहीं करेंगे जितना आपको शुक्र का नुकसान करेगा। तो रईस हो, मीर हो, शुक्र ग्रह के जातक हो, तो पैसा बिहेव करो, है ना, हाथ थोड़ा खुला रखो, देने की नियत रखो। देने की नियत रखोगे तो बादशाही आएगी, लेने वाले बनोगे तो गुलामी आ जाएगी, नस्लों में गुलामी आ जाएगी, कहावत है, बुजुर्गों ने कह रखा है। तो शुक्र ग्रह के जातक हैं आप भाई, अपने नंबर्स देख लीजिए, ये सारे नंबर्स शुक्र ग्रह से रूल होते हैं। मूलांक भी 6 है तो भी बहुत बढ़िया, भाग्यांक 6 है तो भी बहुत बढ़िया, और दोनों 6 है तब तो फिर शानदार हो आप। आशा करता हूँ ये अध्याय आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाले अध्यायों में, तब तक के लिए नमस्ते अजी।